नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे पेट्रोल पंप पर होने वाली चोरी या फिर स्कैम के बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले बता दूं, इस वीडियो में पर्टिकुलरली किसी कंपनी को मैंने टारगेट नहीं किया है, तो कोई ऑफेंड मत होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में लगभग सारे पेट्रोल पंप पर यही दिक्कत आती है कि यहाँ पे फ्रॉड वगैरह होता है। या तो इस फ्रॉड को पेट्रोल पंप का मालिक करवाता है, या फिर पेट्रोल भरने वाला कोई आदमी होगा वो इस फ्रॉड को करता होगा। लेकिन बहुत सी जगह तो ये बात भी आती है कि गाड़ियों में जो पेट्रोल सप्लाई करके आता है या फिर गाड़ियों से पेट्रोल लाया जाता है, उनके जो ड्राइवर वगैरह या फिर उन पे जो सर्वेंट वगैरह होते हैं वो भी पेट्रोल को निकाल देते हैं और पेट्रोल में थोड़ी बहुत मिलावट कर देते हैं, जिससे कोई सावधान नहीं रह सकता। तो एक तरकीब ये लगा सकते हैं कि अगर आप किसी भरोसेमंद पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाते हो तो उसी से भरवाया करो कि आपको यूँ भरोसा रहे। बाकी वहाँ पर भी मिलावट होती होगी, अगर आपका भरोसेमंद है तो क्या हुआ। लेकिन जो पेट्रोल पंप पर फ्रॉड होते हैं, मैं उनकी बात करूं तो सबसे पहला एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा। अगर आप कहीं पे जा रहे हो और आपको 1000 का तेल अपनी गाड़ी में भरवाना है, तो आप अपने मजे में मस्त हो, आप ज़्यादा ध्यान पेट्रोल पंप पर दे नहीं रहे हो, तो 1000 के पेट्रोल में आपको 200 या 300 का चूना वो आराम से लगा सकता है। कैसे कि अगर आपका ध्यान उस मीटर पर नहीं है और वहाँ पर ऑलरेडी 200 का तेल किसके भर रखा होगा, तो आपका वो उसी की रीडिंग चालू कर देगा और आपका 200 रुपये का नुकसान कर देगा। जिससे ये इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपको नॉर्मली वो पेट्रोल पंप के मीटर पर ध्यान देना है, उसकी रीडिंग को 0 तक चेक करना है। साथ ही अगला पॉइंट भी इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर आप ध्यान वहाँ पर रखे हुए हो, आपने वो मीटर भी 0 तक कर दिया होगा आपने या फिर करवा दिया होगा, तो आपके ध्यान भटकाने की भी कोशिश हो सकती है, आपकी पिछली रीडिंग से भी फिर से पेट्रोल भरा जा सकता है। तो इससे भी आप सावधान रहिए और सतर्क रहिए। अब एक टाइप की और फ्रॉड की बात करूं, तो जब आप राउंड फिगर में तेल भरवाते हो, यानी कि 100 200 500 रुपए का आप तेल भरवाते हो, तो उसमें मशीन में सेटिंग बिठाई होती है, जिससे अगर आप 500 का तेल भरवा रहे हो तो 200 या 250 ml तक का आपको चूना लगा दिया जाता है, या फिर ज़्यादा का भी लगा सकते हैं। लेकिन मीटर में आपको वो सही रीडिंग शो करेगा, जिससे आप तो विश्वास कर ही लोगे। नॉर्मली इससे बचने का तरीका आपको बता दूं कि आपको राउंड फिगर से ज़्यादा 10 रुपये का पेट्रोल भरवाना होगा, यानी कि आप अगर 100 का भरवा रहे हो तो 110 का भरवाओ, 200 का भरवा रहे हो तो 210 का भरवाओ, या फिर 400 का भरवा रहे हो तो 410 का वगैरह आपको पेट्रोल भरवाना होगा। शायद इससे आपको तेल में थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। एक उपाय ये भी है कि आप क्वांटिटी के हिसाब से पेट्रोल भरवा सकते हो, यानी कि एक लीटर भरवाओ, जैसे कि अभी 77 रुपया प्राइस पेट्रोल किया तो 77 रुपये के हिसाब से भरेगा, जिससे आपको वो चूना लगाने में थोड़ा असमर्थ हो जाएगा। अब अगले तरीके की बात कर दूं या फिर अगले तरीके की फ्रॉड के बारे में बताऊं, तो पेट्रोल पंप पर जो मशीन होती है उनमें टेक्निकल मिस्टेक कर भी चोरी हो सकती है। जैसे कि मशीन में कुछ चिप वगैरह लगा दी जाती है जो हर बार मशीन यूज़ होने पर उसमें 5 से 10 ml या फिर 20 ml तक के पेट्रोल को बचा लेती है, जिससे शायद आपको तो फ़र्क नहीं पड़े, लेकिन आपको बता दूँ कि पेट्रोल पंप का जो मालिक होता है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, जिससे चिप वाले फ्रॉड का तो आप मालूम नहीं कर पाओगे और न ही 10 रुपये प्लस वाली टेक्निक से आप बच पाओगे। अगर चेकिंग टीम आ जाती है तो उस चिप को रिमोटली डीएक्टिवेट भी कर सकता है, और जिससे वो बच सकता है। ये पेट्रोल पंप रिमोटली एक्टिवेट होता है नॉर्मली उसके जो पेट्रोल भरता है उस आदमी के द्वारा। ये 2-3 तरकीब तो मैंने आपको बता दी। नॉर्मली एक और तरकीब जो पेट्रोल पंप पर फ्रॉड करने में यूज़ की जाती है, अगर आप अपनी गाड़ी का टैंक फ्यूल करना चाहते हो या फिर अधिक मात्रा में अपनी गाड़ी में तेल भरवाना चाहते हो, तो वहाँ पर जो आदमी पेट्रोल भर रहा होगा गाड़ी में, वो नॉर्मली उस नोजल को बार बार ऑन करेगा या ऑफ करेगा, ऑन करेगा या ऑफ करेगा, जिससे क्या होगा कि मशीन से जो पेट्रोल निकलता है वो नली में आकर ही वापस से उस पेट्रोल वाली मशीन में चला जाएगा, जिससे पेट्रोल पंप वाली मशीन तो उसको काउंट कर लेगी लेकिन आपकी गाड़ी में वो तेल बराबर से जा नहीं पाएगा, जिससे आपको 1-2 लीटर तक का नुकसान उसमें हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको नॉर्मली करना क्या है कि उस मशीन वाले नोजल पे आपको नॉर्मली ध्यान रखना है कि वो बंदा अगर सही से पेट्रोल भर रहा है कि नहीं भर रहा है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो आपको उसको धमकाना चाहिए या फिर उससे वो मशीन का नोजल है उसको लॉक करवाना चाहिए, जिससे आपका नॉर्मली सारा पेट्रोल गाड़ी के अंदर चला जाए। या फिर आपको क्या करना है कि आप अगर गाड़ी में बैठ के पेट्रोल भरवा रहे हो तो नॉर्मली आप गाड़ी के बाहर आ जाया करो, जिससे वो थोड़ा डर जाए या फिर उसको भी थोड़ा सावधानी बरतने लगे कि अगर ये आदमी मेरे को पकड़ लेगा तो मेरे को बहुत ही मारेगा, उसको ये डर बैठा देना चाहिए आपको, जिससे वो ये मिस्टेक वगैरह ना करे। तो अगर सीधे तौर पर इन सारे फ्रॉड्स के बारे में बता दूँ तो ये आपके साथ तो होना ही है, लेकिन आपको इनसे बचना है तो क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो अपना ध्यान एक जगह पे लगा के रखना है कि आपके साथ कोई फ्रॉड वगैरह यहाँ पे ना कर ले। नॉर्मली अगर आप गाड़ी में बैठकर ही पेट्रोल भरवा रहे हो तो आप गाड़ी से बाहर निकलकर आ जाओ, जिससे कि आपके साथ फ्रॉड होने से बच जाए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको शेयर भी कर देना, साथ ही भाई का चैनल है यार, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।